नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में। पीछे भाभी जी क्या क्या लेके आ रही पता नहीं चल रहा है। तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपक जॉय शॉप ब्लॉग। आई होप कि आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों को हैप्पी होलिका की बधाई। और कल होली है, आज 7 तारीख हो गया, कल 8 तारीख हो जाएगा, क्यों जी ना 8 तारीख, कहीं कहीं तो आज ही मनाया जा रहा है। हाँ, मुंबई में जैसे कि देखा मैंने होली आज ही मना रहे हैं। हमारे बनारस में होली आज, मतलब काशी की होली, जैसे मैं पिछले ब्लॉग में बता चुका था काशी की होली, लेकिन फिर भी बहुत कम मनाया जा रहा है। तो जो होली है वो 8 तारीख का है, कल बहुत ज्यादा मान्य है, क्योंकि हमारे जो हिंदू रीति रिवाज में जो तिथि चलती है और जो पंडित लोग घोषणा कर देते हैं वही होता है। तो गाइस जो लोग चैनल नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दीजिए। आपने देखा विनय भाई घर आ चुके हैं, चाचा आ चुके हैं, आंटी आ चुकी है और सोना पीछे खेल कूद रही है। तो आज हमारे दादा की एनिवर्सरी है और हम चलेंगे मार्केट, अभी केक वगैरह लेके आएंगे। बहुत धूमधाम से नहीं मना रहे हैं, बस एक सिंपल सी फॉर्मेलिटी जो होता है गाइस की, जो खुशी झलक रही है हमारे परिवार के अंदर। तो पहले तैयारी नहीं हुई थी क्योंकि आज दादी सुबह बता रही थी कि आज, मतलब ऐसे बात हो रही थी कि बोली कि आज हमारा एनिवर्सरी, आज मेरी शादी को 63 साल हो चुके हैं। हमका ही बता ही नहीं आप, नहीं तो फिर पहले से हम लोग प्लान बनाते कभी गाइस ये सब, मतलब जानकारी नहीं थी। तो दादी बातों बातों में जब छेड़ दिया तो बातें हो गई, चलो एक सिंपल ही केक दादी और दादा के साथ काट लेंगे और भी जो आइटम रहेगा आपसे शेयर करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पे, बिना स्क्रिप्ट के देखिएगा। और होली की जो तैयारी है गाइस पूरी हो चुकी है और क्या क्या आइटम हम लोग मार्केट से लाए हैं। और गाइस आज जो सरसों का होता है, इसको जो शरीर में पूरा क्या कहते हैं, मालिश होती है ना, सरसों की जो मालिश होती है वो भी हम आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे कैसे कौन मालिश करता है, कौन करेगा। भाभी है तो भाभी ही करेंगी और कोई नहीं करेगा। मम्मी रहती थी तो मम्मी करती थी और इस त्यौहार में मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। आई मिस यू मॉम, आप अगर होती तो शायद ये त्यौहार और अच्छा होता, क्योंकि हर त्यौहार मम्मी मौजूद थी हर होली पे। तो मम्मी के चाहे जैसे मैं तैसे आप कह सकते थे, सुना सकते थे और अपना मम्मी पूरा जाती थी, बच्चों को क्या जरूरत है क्या नहीं है। देखो गाय जी चिप्स आया हुआ है मार्केट से, क्या किस्म का है? और ये जो मालिश होगा सरसों का हमारे शरीर में, वही सब चीज है। मम्मी को बड़ा मिस कर रहा हूँ, इतनी मम्मी को याद कर रहा हूँ कि आंखों से आंसू तो टपक रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर गाइस होता है ना कि लड़कों के आंखों में आंसू बहुत कम आते हैं, वो फीलिंग होती है वो अंदर ही है। रोके भी गाइस क्या दिखाना है कि हाँ रो रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मम्मी को मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। और क्या था चल बिटू, क्या है ये सरसों है, लगाओगे क्या? हम लगाते हैं। अब लगाते हो? लगाते हैं, लगाए थे। आपका तबीयत कैसा है अभी? अच्छा। तो होली खेलोगे? नहीं खेलोगे। आपके लिए कुर्ता मैंने सिलवा दिया, इसके लिए बहुत बेहतरीन कलर का है, वो कल कार्तिक पहनेगा तो आपको दिखाएंगे। अच्छा, तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में, बाकी आप लोग अपडेट देते रहेंगे कि हमारे घर में क्या हो रहा है और एनिवर्सरी कैसे मनाते हैं हम लोग दादा दादी का। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। हाँ, तो पहुंच चुके हैं चाची के घर पे, तो इधर नाश्ता पानी चाची लेके जा रही है, काफी मोबाइल धूमी ला रहा है हमारा यार। और आ गई है होली खेलने के लिए हमारी एक भाभी जी। कहाँ शादी करा रहे हो? गए रखी दूसरे शादी में, दूसरे शादी में। तो गाइस भाभी जी आ गई हैं होली खेलने के लिए, अगले साल भी आई थी शायद ना। हाँ, नहीं आप पीजिए, अभी आपने दूर से आ रही हैं। पति पति तो कहाँ गए आपके? अरे बाबा बाबा अच्छा की। हाँ, उनके ससुराली बोला था, अच्छा अच्छा देखा था, चाची मारी देख रही थी। तो चलिए भाभी आ गई है, बहुत मजा आएगा होली होली साथ में खेलेंगे हम लोग। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं कुछ घर पे। यहाँ पे आ गए थे, चाची का हालचाल ले लिए हैं और चाची की तबीयत भी एकदम सही चल रहा है, तो चलते हैं उस दौरे चाची के पास, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। और सब लोग एकदम तैयारी कर रहे हैं जमाजम। गाइस इधर अभी गुजिया बन नहीं रहा है, प्रिंसी इधर बना रही है और चाची हमारी इधर लपटी हुई हैं। एक देखो इतना पूरन बना हुआ है, इधर गुजिया का मसाला अभी तीन ही बनाई हो क्या? अभी कल से नहीं बनाई थी क्या? अच्छा, इसके पहले क्या कर रहे थे? काम करे थे। पम भाई एकदम होली होली खेल के आ गए हैं, खेल के आए होली के एक दिन पहले ही, होली के हो गई बरसात 2 दिन पहले से, कल भी था, कल भी था होली। हाँ। कल होली का दहन था, आज भी होली का दहन है, कल भी खेले ना होली। अच्छा खेले हो? हम ही लोग बचे हैं तो हम लोग कल खेलेंगे। हाँ, फिर से खेलेंगे।
ऐसे आज हॉस्पिटल गए थे लाइव सब स्टाफ वहाँ खेले ना। अच्छा लखनऊ से आए तब मुलाकात नहीं, किसी बहाने मुलाकात भी हो गई। एकदम लंगूर लग रहा है भाई। बहुत लंगूर लग रहे हैं, पूरा अंदर तक लगा दिए हैं। अंदर तक लग गया है, घुसर घिसर के लगा दिए हैं। कपड़ा खराब। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद एनिवर्सरी में। सो गाइस आ गए यहाँ पे, देखो दादा के लिए और दादी के एनिवर्सरी के लिए केक, ये रहा। अभी ये वाइट से लिखा रहा है और भाई साहब यहाँ पे फिर से इसको अपडेट कर रहे हैं, मैंने फिर से चढ़ा रहे हैं नेम पे, क्योंकि वाइट था मज़ा नहीं आ रहा था, सोचा मैंने इसको कुछ कलर कर दिया, तो नाम जना है कि हाँ दादा दादी की एनिवर्सरी है। और आइसक्रीम भी है ना, आइसक्रीम देना एक तो वो बड़ा वाला पैकेट जो अच्छा वाला हो एकदम। फ्लेवर कौन सा फ्लेवर है? बटर स्कॉच। बटर स्कॉच है, तो भाई बटर स्कॉच आइसक्रीम लेते हैं। आप लोग को दिखाते हैं बटर स्कॉच क्या होता है, मतलब आप लोग भी जानते होंगे, जो खाते हैं जो नहीं भी खाते सबको पता है। आइसक्रीम निकाल दो यार। तो भाई आइसक्रीम देखो, ये बड़ा वाला पैकेट ले ले रहा हूँ, और इनके फ्रिज में बहुत से केक रखे हुए हैं इधर, देखो इतना केक है। आइसक्रीम दे दो यार, दुर्गा निकाल दो। तो भाई ये बड़ा वाला पैकेट ले लिया आइसक्रीम का, क्योंकि घर में हमारे बड़े मेंबर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही मेंबर हैं, तो सबके लिए ही अच्छा होता है कि छोटा पाउच लेके जाओ तो सबको अलग अलग दो तो मज़ा नहीं आएगा, एक ही फ्लेवर सब लोग खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये रहा आइसक्रीम, आप लोग देख सकते हो। चलिए गाइस मिलते हैं घर पे अब। तो दोस्तों घर पहुँच चुके हैं और यहाँ दोनों बच्चे खेल रहे हैं, और भाभी जी इधर क्या करिएगा? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? अरे काम जो तैयार हो जाओ, दादी दादी की एनिवर्सरी है, बनाएंगे आज। साड़ी पहन ले रही हो? तो कहाँ जा रही हो? कहाँ पे देखे क्या दिखा रहे हो? सोना क्या लाइए देखे तो सोना। पापा जी इधर बैठे हैं एकदम, इसके पापा इसके लिए देखो, ये क्या सोना देखे तो देखे पापा देखे 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 अरे सोना देखे देखे पहले देखे चाचू देखे बुतुआ है कहाँ बुतुआ इधर। तो सोना देखो बुतुआ बन गई है। तो भाभी और चाची को घर से उठा लेके आए हो, और इधर दादी सो रही है, दादाजी इधर है आशीर्वाद ले रही है इधर पे। तो ये भाई बहन सबको लेके आ गया गाइस, क्योंकि दादा दादी सर ये कुछ माने रखता है। और पवन भाई भी आ गए, हम भाई बहुत बेसब, बड़े भाई साहब भी आ गए इधर, सब लोग एकदम जुड़ हो गए, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। अरे कल बिना भाई कभी हैप्पी होली, हैप्पी होली भाई, बधाई दे भाई, बाबा पार्टी बम पार्टी बम। भाभी से हमारी बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है, इसलिए गले लगाने का मन किया। हैप्पी होली भाभी। एडवांस नहीं स्टार्ट हो गया है, एडवांस कोई नहीं रह गया। तो दोस्तों ये छूट गए थे, इनको भी हम लेके चल रहे हैं और बाहर ही बात कर रहे हैं। चलो 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 फ्रक से कहाँ बस यार, क्या खा रहे हो? संतरा, राहुल भाभी संतरा खा रहे हो? चलो चलो फ्रक चलो चलो जल्दी करते हैं ना, क्योंकि रात समय काफ़ी हो गया ना, आ जाओ। तो दोस्तों मेरी प्यारी फैमिली, तो जगह की कमी ना थे, और फंक्शन बहुत अच्छा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिंदा कर रहा हूँ। पहली बार पता चला कि दादा दादी की एनिवर्सरी है, और आज हमारे चाचा चाचा की भी एनिवर्सरी है, चाचा है चाची का। तो 7 तारीख को हमारे चाचा चाची की शादी हुई थी, जो कि आप लोग हर्ष को जानते हैं, उनके पापा मम्मी का, लेकिन चाची को मतलब जो उनका नाम है घर में हम लोग बुलाते हैं वो नाम बताइए, लेकिन दोनों लोगों का एनिवर्सरी आज पड़ गया ये भी नहीं पता, क्योंकि काम है इतना, मार्केटिंग काम है इतना, जॉब रहता है पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे भाभी भी है, आंटी है, यू भी है, पीसी है, और दादाजी इधर खड़े हुए हैं, और बेसब्री से इंतजार है केक कटने का। तो हम लोग केक काटते हैं, एंजॉय करते हैं पार्टी, तो आप लोग बदले ब्लॉग में आप लोग प्यार देते रहेगा, एंजॉय लेते रहेगा कि आज दादाजी का जो एनिवर्सरी है वो 60 साल है, 60 साल ना, 60 साल बहुत अच्छे शादी को 1963 शादी हुई थी आज पहली बार। अगर गाइस सोशल मीडिया पे नहीं जुड़ा होता तो आप लोग को जानकारी नहीं होती मेरे दादा दादी इतने साल की शादी सालगिरह मना रहा हूँ। तो चलिए केक काटते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों केक लगा दिया हूँ, और इधर दादा दादी आ गए हैं, और हम लोग देखिए प्रिंसिपल में जांच कर रही है कितनी खुशी का पल है गाइस। और देखो आ जाओ अंदर, आ जाओ यार अंदर आ जाओ, सब लोग अंदर आ जाओ। और देखो गाइस यार मैंने कुछ बाहर से भी व्यक्ति बुला लिया है, और चाचा जी हमारे पहुंच गए, सब लोग सेटेड है, और सोना के देखो हमारे सब लोग कितने खुश हैं। तो चलो क्या कर सकते हैं, रुको रुको एक मिनट, और रुको एक मिनट, हैप्पी एनिवर्सरी,
हैप्पी एनिवर्सरी दादा दादी, हैप्पी एनिवर्सरी दादा दादी, आप जियो हजारों साल, आप लोग की दुआ लगे हम परिवार के साथ, आपकी उम्र लगे हम लोगों बच्चों को और पूरे भाइयों को सबके। तो कार्तिक भी खड़ा है, क्या खिलाए दादाजी, क्या खिलाए दादा दादी को? बुढ़ा बुढ़ा के खिलाई, खा खाई ल खाई ल खाई ल खाई ल खाई ल आपो खिला दे, आपो खिला दे, बाऊ खिला दे, बाऊ खिला दे, वहां से लगाई। हां 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 बिल्कुल, अम्मा खा लो खा लो, अम्मा हां 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 ओए के की कोट है की अम्मा, अब बाऊ गायला भी बोल। तंको शर्म नहीं आई, देखी नहीं अपनी उमरिया, अब बाबू के आई ला भी बोल। तो गाइस 60 साल के उम्र पहला बार दादाजी के साथ केक काटा, बहुत ही अच्छा लगा। बोल बोल देखा अम्मा का बोलता दादाजी ने बोला अपनी दीदी को पहली बार आई लव यू। हाय मेरी गले मां गले मिल ले, उमर मिल लो, मिल लो मिल लो, गले मिल लो, बोल आई लव यू, एक बार गले मिल लो, गले मिल लो, गले गले मिल लो, गले मिल लो, गले मिल लो, गले। अरे अरे भागी मत, भागी मत, रुका 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 रुका। दोस्तों हम लोग रुका यार, जलावन लटकिया यार, लटकिया बन गया था गाइस। तो गाइस यहां पे केक कट गया है और कल होली है, हम लोग पूरे धूमधाम से होली मनाएंगे और आज दादाजी और दादी के साथ केक काट के बहुत अच्छा लगा। हमारे गाड़ी में दादाजी पहली बार केक काटे जब से हम लोग ने बड़े हो गए, बचपन से लेके छोटे से बड़े हो गए, पहली बार गाइस बहुत अच्छा लगा यार। आप लोग को ऐसा लगा कि इतने सालों बाद दादा दादी का एनिवर्सरी में फिर से शादी का मौका मिला, एक सरप्राइज थी, वो भी 60 साल की, एक सरप्राइज थी, किसी को नहीं पता था शादी हुई। हमने फोटो शूट, तो चलिए गाइस इन्हीं सब सब ब्लॉग को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग होली के लेके आएगा। सुबह हम लोग क्या धमाल मचाते हैं, क्या कमाल करते हैं, लोग को दिखाएंगे और कैसा लगा केक कटिंग और एनिवर्सरी हमारे दादा दादी का, आप लोग जरूर बताइएगा और आप लोग प्यार दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में सुबह। बाय बाय, थैंक यू सो मच।